अच्छी तरह से धुल गया है। अब आपको क्या करना है, इसे एंटी फंगल पाउडर में एक बार डिप करके धूप में रख देना है। आप धूप में रखें ना रखें, लेकिन एंटी फंगल पाउडर में जरूर डिप करना ही है। वेलकम टू माय चैनल गार्डनिंग विद सुनीता। इसका रिपोर्ट करने वाली हूँ स्टेप बाय स्टेप, आप जरूर देखिएगा, आपको अच्छा लगेगा वीडियो। और मैंने पहले भी एंथोरियम प्लांट की रिपोर्टिंग शेयर किया है, आप लोगों ने उसे बहुत पसंद किया है, तो उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। इसकी रिपोर्टिंग कर लेते हैं। और स्पेशल पॉटिंग मिक्स इसके लिए लगता है और परफेक्ट पॉटिंग मिक्स मैं बनाऊंगी, और बीच बीच में कुछ कुछ टिप्स भी दूंगी, आप लोग वीडियो पूरा देखिएगा। ये जो पोर्शन आप देख रहे हैं, यहाँ मैं वैसे प्लांट को रखती हूँ जो ह्यूमिडिटी पसंद करता है, नमी पसंद करता है, और उनमें से अजीलिया और एंथोरियम है। तो आज मैं एंथोरियम प्लांट को आपको दिखा देती हूँ। ऐसे तो प्लांट मेरा दिख भी नहीं रहा है, आप देख पा रहे हैं, लेकिन इस टाइप की जगह में गर्मियों में आप एंथोरियम को बचा सकते हैं। एंथोरियम एक महंगे प्लांट होते हैं, इसलिए गर्मियों में उसका विशेष ख्याल रखना पड़ता है। तो चलिए मैं एंथोरियम प्लांट को पहले निकाल लेती हूँ और उसकी हालत को आप लोग के सामने ही देखती हूँ कि कैसी है, और हो सके तो अजीलिया को भी मैं दिखा पाऊंगी। आइए मैं अपने एंथोरियम प्लांट को निकाल लेती हूँ। ये देखिए, ये एंथोरियम प्लांट काफी हेल्दी है, मेरा बहुत अच्छी तरह से ग्रो हुए हैं और गर्मी में बच गया है। देखिए आप, ये मिनिएचर वैरायटी का है एंथोरियम, इसके फूल छोटे छोटे होते हैं। तो ये प्लांट वैसी जगह सरवाइव करते हैं जहां इसके आसपास नमी हो, और ये जो पोर्शन है यहाँ पर हमेशा नमी बने रहती है। तो हालत तो ठीक ही है। इसी बीच मैं थोड़ा एजिलिया को भी दिखा लेती हूँ और मैं भी देख लेती हूँ, और ये भी गर्मी में बच गया है। देखिए कुछ कुछ पत्ते ड्राई हो रहे हैं, लेकिन ग्रोथ भी हो रही है। देखिए इसके लिए भी मैंने वीडियो शेयर किया था, आप लोगों ने वो वीडियो को भी बहुत पसंद किया है, तो उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, एक बार आप लोग जरूर विजिट कीजिएगा। टॉपिक पे आ जाते हैं, एंथोरियम प्लांट की पॉटिंग मिक्स देख लेते हैं कैसे बनानी चाहिए स्टेप बाय स्टेप। इसका मैं रिपोर्ट करूंगी और इससे बड़े प्लांटर में मैं शिफ्ट करूंगी। आइए मैं कैसे कैसे करती हूँ स्टेप बाय स्टेप, आप वीडियो जरूर देखिएगा, बहुत यूजफुल वीडियो है कि साल दर साल आपके गार्डन में टिके रहे, इसके लिए आपको कम से कम इतना तो मेहनत करनी ही होगी। तो अच्छी तरह से कोकोनट बार्क को आपको धो लेना। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट चीज है, इसे भी आपको धो लेना है, अच्छी तरह से आप इसे वॉश कर लीजिए। मैंने पानी ले लिया है, एंटी फंगल पाउडर डालना है, सभी जानते हैं आपके पास जो अवेलेबल है वो आप ले सकते हैं। मुझे कमेंट में आया है कि मैं क्या हल्दी यूज कर सकती हूँ, तो आप बेशक यूज कर सकते हैं हल्दी, जितना भी ऑर्गेनिक चीज होता है पौधों को नुकसान तो नहीं पहुंचाता है, हाँ फायदे जरूर देते हैं, तो आप हल्दी का यूज इस जगह में कर सकते हैं। और ऐसे भी एंथोरियम में किसी भी फंजीसाइड की जरूरत नहीं है, वो क्यों नहीं है मैं आपको बताऊंगी आगे। इस तरह से धो लेना है, हो सके तो थोड़ी देर डिप करके छोड़ दीजिए। अब मैं इसे निकाल लेती हूँ। ये है चारकोल, इसे भी इसमें डिप करना है, इसे भी निकाल लेना है। ये ईंट का टुकड़ा, चारकोल और कोकोनट बार्क, सभी को मैंने फंजीसाइड वाले वाटर से निकाल कर रख दिया है। एंटी फंगल पूरी तरह से बना देना है इसे। अब मैंने पहले से ही कोकोपीट को धोकर सुखा कर रख लिया है, मैं उसे भी डालकर आपको पॉटिंग मिक्स शेयर कर लेती हूँ। दो चीज और मैं डालने वाली हूँ, वो आप लोग वीडियो देखते रहिए, आप लोगों को बीच बीच में मैं बताती जाऊंगी। अब मैं इसमें एंथोरियम के लिए बहुत ही जरूरी चीज है, ये है कोकोपीट।
एंथुरियम के प्लांट में आप परलाइट का बेसक यूज कीजिए। आप देख पाएंगे कि एंथुरियम के लिए मैंने जो भी चीज लिया है वो अपने आप में मॉइस्चर अपने में अंदर में रखता है, और चारकोल जो है वो एंटी फंगल तो होता ही है, और इसमें भी मॉइस्चर लेवल बहुत ही अच्छा रहता है, इसमें भी नमी बनी रहती है, और ये भी वाटर को होल्ड करके रखता है। ईंट का टुकड़ा, इसे भी एक एक इंच टुकड़े में काटकर आप इसे ले सकते हैं। परलाइट का भी वही काम है, और कोकोपीट तो मॉइस्चर लेवल बनाकर रखता ही है, तो ये सारे नमी बनाकर रखने वाले पॉटिंग मीडिया है, और एंथुरियम के लिए स्पेशल पॉटिंग मीडिया है। अब मैं उसमें फूड भी देना चाहूँगी, तो फूड देने के लिए आप पत्तों का खाद या वर्मी कंपोस्ट या कोई भी कंपोस्ट, एनी कंपोस्ट आप इसमें दे सकते हैं। तो ये मैंने कंपोस्ट भी ले लिया है। अब मैं दो चीज और डालने वाली हूँ इसमें, ये है मेरा एंथुरियम का प्लांट और उसके लिए पॉटिंग मीडिया। बहुत गर्मी पड़ी थी तो कुछ पत्ते इसके जो ये सब सूख गए हैं, इसे हटाना होगा, इसे पहले मैं क्लीन कर लेती हूँ। एंथुरियम प्लांट की एक खासियत और होती है, ये हवा से अपने फूड लेता है, तो इसके रूट आधा मिट्टी में रहते हैं, आधा आपको देख पा रहे होंगे आप, ये हवा में रहता है। तो इसे रिपोर्ट करने का भी बहुत ही अलग तरीका है, इसे आप जैसे भी जैसे तैसे रिपोर्ट नहीं कर सकते हैं, नहीं तो आपके प्लांट मर जाएंगे। डिवाइड से आसानी से प्रोपोगेट कर सकते हैं, आप एक बार इसमें पैसे लगाएंगे और ये प्लांट बार बार आप रेडी कर सकते हैं डिवाइड से। नेचर वैरायटी का एंथुरियम प्लांट है, आप लोगों को कैसा लग रहा है जरूर बताइएगा ये देखने में। तो इसे मैं पहले निकाल लेती हूँ, क्योंकि ये जो प्लांट है इसे मैं नए पॉट में शिफ्ट करने वाली हूँ। आप इसके रूट को देख पा रहे हैं, और मैंने एक वीडियो शेयर किया था, इसे डिवाइड से मैंने इसे अलग किया है, ये नहीं मिनिएचर वैरायटी वाला नहीं, बड़े वाले वैरायटी के प्लांट को। तो इस तरह से इसके रूट है, बहुत खूबसूरत इसके रूट है, बहुत सुंदर लग रहा है देखने में। अब इसे ज्यादा छेड़ना नहीं है और इसे मैं रिपोर्ट कर देती हूँ। ये है पॉटिंग मीडिया, ये है प्लांटर, मैं इसे 8 इंच के प्लांटर में शिफ्ट कर रही हूँ। प्लांटिंग का बेसिक रूल, एक गमले का टूटा हुआ टुकड़ा नीचे रख लीजिए ताकि ड्रेनेज होल सही रहे। अब इन सबको मिला देना है अच्छी तरह से। आप लोगों ने गौर किया होगा, मैंने इसमें कोई भी फंजीसाइड का उपयोग नहीं किया है, क्योंकि एंथुरियम प्लांट जो होते हैं वो आप देखिएगा ट्रॉपिकल प्लांट है, तो इसमें ज़्यादा केमिकल की कोई ज़रूरत नहीं है। ये हवाओं में ही लटककर पुराने पेड़ों के छाल पर ये होता है और बहुत अच्छी तरह से ग्रो होते हैं। अब ये पॉटिंग मीडिया रेडी है, और एंथुरियम प्लांट एक खूबसूरत पत्तों वाला प्लांट है, उसके फूल भी पत्तों के जैसा होते हैं। ये है एप्सम सॉल्ट, इतना नहीं डालना है क्योंकि प्लांट मेरा छोटा है, मैं थोड़ी सी डालूंगी। इसे भी अच्छी तरह से मिला देना है, क्योंकि एप्सम सॉल्ट जो मैंने डाला है वो कहीं भी ज़्यादा कम ना हो जाए। और एक चीज़ मिलाने वाली हूँ, एंथुरियम प्लांट का फर्टिलाइज़र। कोई भी प्लांट हम लोग जब पॉट में लगाते हैं तो पौधों को फूड बहुत देना ज़रूरी होता है, तो मैं इसमें फर्टिलाइज़र के तौर पे सी वीड ग्रैन्यूल्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जिसे कहते हैं, वो मैं डालने वाली हूँ। और ज़्यादा नहीं देना है मुझे, 8 से 10 दाने जितना बड़ा मेरा प्लांट है उसमें देना है, ज़्यादा नहीं देना है। या तो आप इसे पानी में घोल कर दे सकते हैं,
पत्तों पे स्प्रे कर सकते हैं इसके लिक्विड को, वाटर को, या फिर ऐसे आप इसका पॉटिंग मीडिया में दे सकते हैं। बहुत ही हल्का पॉटिंग मीडिया बना है और बहुत ही मॉइस्चर अपने में रोक के रखेगा। इस टाइप से पॉटिंग मीडिया आपको भी बनानी है। आपको मैं दिखा देती हूँ, देखिए मैंने ज्यादा नहीं डाला है अंदर। हम लोग प्रायः जब भी रिपोर्टिंग करते हैं किसी प्लांट को, इस तरह से टैप कर देते हैं ताकि इसमें एयर पॉकेट ना रहे। लेकिन ये पॉटिंग मीडिया, ये एंथुरियम एक ऐसा प्लांट है जिसमें कि एयर सर्कुलेशन होते रहना है। इस तरह से आपको, देखिए आप देख पाएंगे, मैंने इसके रूट को पूरा मिट्टी में नहीं घुसाया है। ये देखिए, इस तरह से आपको एंथुरियम को रिपोर्ट करना है। एक दो बातें मैं एंथुरियम प्लांट के बारे में आप लोगों से साथ शेयर करूंगी। एंथुरियम प्लांट को कभी भी टेरिस में नहीं रखा जा सकता है क्योंकि उसे बहुत ज्यादा धूप नहीं चाहिए, बहुत ज्यादा छाया नहीं चाहिए। उसे ऐसी जगह चाहिए जहां छनकर लाइट आती हो, जैसे कि विंडो के सामने, और वहां से छनकर जो लाइट आती है उसमें ही अच्छी तरह से ग्रो होते हैं। और नंबर दो, एंथुरियम प्लांट के फूलों में कभी भी आप पानी मत डालिए। नंबर तीन, एंथुरियम प्लांट में आपको वाटर देने का सिस्टम है। एक टब लीजिए, उसमें इस तरह से पानी डालकर इसके पॉट को थोड़ी देर तक रख दीजिए। आपको एप्सम सॉल्ट लेना है और एक चुटकी मात्र, जितना छोटा मेरा प्लांट है प्लांट के हिसाब से एक चुटकी लेकर आपको क्या करना है, पानी में घोल देना है और इसके पत्तों में स्प्रे करना है। जब भी आपको घर के अंदर जब एंथुरियम प्लांट को आप रखेंगे तो आपको एक प्लेट लेना है, उसमें कुछ पत्थर डालना है और उसमें पानी डालना है, और उसके बाद ये पॉट को उसके ऊपर ही रखना है क्योंकि इसके आसपास हमेशा नमी बनी रहनी चाहिए, तभी एंथुरियम प्लांट में अच्छी तरह से फ्लावरिंग होगी। ये रही मेरी आज की वीडियो एंथुरियम के ऊपर में। आपको वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।